टेंस क्या है? टेंस क्या है? देखिएगा, काल और समय दोनों ज्यादा अलग अलग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामर के अनुसार कुछ ना कुछ तो अलग है, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं। पहले जानते हैं कि टेंस कहते किसे है। देखिए, टेंस बनाया गया है कार्य संपादन दर्शाने के लिए कि कोई भी कार्य जो किया जाता है वो कौन से वक्त में किया जाता, और वक्त दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है टेंस। आइए परिभाषा करते हैं। परिभाषा तो जानते हैं, किसी भी भाषा को पुनः संपादित करके अच्छे ढंगों से सजाना, यह परिभाषा है। डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, व्हाट इज टेंस। देखिए, तो वर्ब के जिस रूप से समय का बोध हो, समय का बोध हो, टेंस कहलाता है। टेंस कहलाता है। टाइप ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच डिनोट्स टाइम, दैट्स कॉल्ड टेंस। ओके, सच है। जैसे राम आम खाता है, और ये आपको तो बनाने आती ही होंगी क्योंकि बचपन से आपने पढ़ा है, राम इट्स अ मैंगो। ओके, राम इट्स अ मैंगो। अब मथा पीछे की ये सब आप लगा कैसे रहे, एमिजार तो है नहीं, है के लिए, हाँ नहीं है, इसके रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे और आगे पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो वर्ब का एक वैसा रूप जो समय का बोध कराता है, which forms of the verb that denotes the time, which called tense, clear? And Ram is a mango is the example of tense. Ram is eating a mango. ये भी sentence tense का follow कर रहा है। Ram, you went, तुम गए, ये भी एक टेंस ही है, टेंस का ही एक सेंटेंस है। उसके बाद यू हैव गॉन, तुम गए हो, तो ये सारी के सारी टेंस को अर्थात पीरियड ऑफ टाइम, टाइम को बता रहा है कि तुम गए हो, तुम जा चुके हो, तुम गए या तुम गए थे। राम आम खा रहा है, राम आम खाता है। अब इसी को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी, डिस्टिंग्विश अबाउट इच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में यही डिस्टिंग्विश पढ़ने के लिए हमें टेंस की आवश्यकता होती है। और टेंस को आप तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप टेंस को अपने भाषा से ना पढ़ें। वो भाषा ही है, और मेरी इंग्लिश बस पूरी भाषा ही है। जब तक हम इसे अपने भाषा से करके ना उसमें ले जाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर आप टेंस क्लियर कर लेते हो तो सपोज है 40-50% इंग्लिश आप ग्रामर में कवर कर रहे हो, डेफिनेशन हो जाएगी इस बातों की। ध्यान दीजिएगा, तो टेंस क्या है, तो वर्ब के जिस रूप से समय का बोध हो टेंस कहलाता है। आप डेफिनेशन साथ में याद करो। और टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, पढ़ा रहा हूं हिंदी में, मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी आपको समझाऊं। टेंस को कितने भागों में बांटा गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस, अर्थात काल को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। टेंस को, आंसर देखिए, टेंस को मुख्य रूप से क्या, तीन भागों में ही बांटा गया, टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस जो निम्नलिखित हैं। हम हिंदी में करना चाह रहे इसलिए क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा समझेंगे और आप अच्छे से समझ जाओगे। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। नंबर वन की बात करें तो प्रेजेंट टेंस, PRESENT, इसको पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंट। प्रोनंसिएट करने तो आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, नहीं आएगा तो हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन कोशिश करिए। मैं बोल रहा हूँ ना तो आप समझने की कोशिश, मैं बोल रहा हूँ तो आप समझो। अभी प्रेजेंट टेंस, PRESENT, इसको पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल, है ना। दूसरी बात करें तो पास्ट टेंस,
इसका प्रोनंसिएशन इस प्रकार करते हैं, पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल, भूतकाल जो बीत गया, और थर्ड फ्यूचर टेंस, एफ यू टी यू आर फ्यूचर टेंस, अर्थात फ्यूचर टेंस की बात करें तो भविष्यत्काल, भविष्यत्काल। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक करके हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा, है ना। ध्यान दीजिए, अब बात के टेंस तो समय का बोध कराता है, अच्छा जो समय का बोध करा है वो टेंस कराता है, लेकिन कौन बोध करा है? तो सर वर्ब, तो वर्ब किसे कहते हैं? तो जो कार्य संपादन को दर्शाए, जो कार्य संपादन को बताता है वही तो वर्ब कहलाता है। इंग्लिश में पढ़े होंगे वर्ब डिनोट्स एक्शन, वो पहले एक्शन, एक्शन को जो पहले से, सॉरी व्हिच वर्ड्स डिनोट्स एक्शन दैट्स कॉल्ड वर्ब, जो एक्शन को दर्शाता हो, जो काम क्रिया को दर्शाता हो वही तो है वर्ब। तो वर्ब क्या, जो कार्य करने को दर्शाता हो, तो हम लोग वर्ब की चर्चा करें थोड़ी सी, अभी तो हम लोग पास्ट ऑफ स्पीच नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्ब की हम लोग चाहेंगे थोड़ी सी चर्चा करें, जैसे खाना, पढ़ना, हंसना, रोना एटसेट्रा, एटसेट्रा इट्स कॉल वर्ब, अर्थात ईट, रीड, लाफ, एलोयूजियस लाफ, बीप एटसेट्रा, एटीसीआर कॉल्ड वर्ब। अब हम लोग वर्ब जब समझ जाए, तो ये जब अपने रूप से, और किसी भी वर्ब को पांच रूपों में डिवाइड किया गया, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव, है ना, सारे वर्ब को पांच रूपों में बांटा गया, और यही पांच रूप हमें बताएगा कि कौन सी क्रिया कब हुई है और कैसे हुई है, जिससे हमें टेंस का पता चलता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट कूट जाएगा, और वर्ब में आईएनसी और विभर्व में एस या एस, यही ना। तो हमें वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव याद रखे, तो ये क्या है, तो वर्ब का फॉर्म है, और ये क्या है, तो वर्ब है। जैसे अगर हम एक रीड का, गो का ले लें, गो माने जाना होता है, गो का वी वन और गो का वी टू करें तो वेंट होता है, डब्ल्यू एन टी, गो वेंट रहता, सबका सेम जाना ही है, जाना ही होता है, गो माने जाना है ना, रूप बदल जाता है, जैसे गो वेंट, इसका होता है गॉन, इसका हो जाता है गोइंग जी ओ आई एन जी, और इसका हो जाता है क्या भाई, वी फाइव का जी ओ ई एस गोस, अर्थात गो वेंट गॉन गोइंग गोस, इसको कहते हैं वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव। तो थोड़ी सी टाइम लगेगी, हम बताएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अब इसका प्रयोग किधर करना, इसका प्रयोग किधर करना, इसका प्रयोग किधर करना, इसका प्रयोग किधर करना, वो बताता कौन मुझे, तो टेंस बताता है, ठीक है। और जो बताता है उसे जानने की इच्छाएं भी होती है, गो वेंट गॉन गोइंग और गोज लास्ट है। अब गो की हम लोग बात करें तो वी वन रूप है, तो हम लोग वर्ब समझ गए, तो इट्स क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो आपको मन में आता होगा कि जो है सर उसके लिए तो इज लगाया ही नहीं आपने, तो नहीं है कि नहीं, इस का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ना होता है, क्योंकि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा बाद में कर लेते हैं, अभी ये समझने की कोशिश करिए वर्ब। तो टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग चले गए पार्श्व के स्पीच में, जो नहीं जाना चाहिए उसमें बाद में कर लेंगे। तो टेंस क्या है, तो वर्ब के जिस रूप से, वर्ब का पांच रूप है ना, उसी रूप से समय का जो बोध होता है उसे ही टेंस कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम इज अ मैंगो, राम आम खा रहा है, राम इज ईटिंग अ मैंगो, यू वेंट तुम गए, वी टू हो गया, यू हैव गॉन तुम गए हो चाहे जा चुके हो। देखिएगा टेंस को मुख्य रूप से चार भागों में बांटेगा, प्रेजेंट टेंस पी आर ई एस ई एन टी टी ई एन एस ई, पास्ट टेंस पी ए एस टी टी ई एन एस ई, फ्यूचर टेंस एफ यू टी यू आर ई T-E-N-S-E, आप स्पेलिंग कर लीजिए, आप सुनिए अच्छा से, समझ में आएगा। अब हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे, जब एक एक करके सबको पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा ही समझ में आएगी, है ना। तो टेंस तो क्लियर किया आप लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक प्रेजेंट टेंस की, पी आर ई एस ई एन टी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मींस होता है वर्तमान काल। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या है,
इसकी चर्चा करें उससे पहले हम लोग ये जान लें कि प्रेजेंट टेंस जैसे ही दिमाग में आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि ये अभी जो कार्य मैं कर रहा हूँ ये वर्तमान में अर्थात प्रेजेंट में कर रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ या दिखा रहा हूँ, जो काम अभी साथ साथ हो वही तो प्रेजेंट है। और प्रेजेंट को किस प्रकार डिफाइन करेंगे वो देखिए थोड़ा सा। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस क्या है, डेफिनेशन आपको आना चाहिए, है ना। तो देखिए, वर्ब का वह रूप जो वर्तमान काल में तत्परता को दर्शाए, तत्परता को दर्शाए अथवा दर्शाए प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस कहलाता है अथवा वर्ब के जिस रूप से या, ठीक है ध्यान दीजिएगा, वर्ब के जिस रूप से या टेंस का वह भाग जो वर्तमान समय को प्रदर्शित करे वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश वास्ट नहीं है, बस इंग्लिश आप एक तो भाषा है, जैसे हम लोग बचपन में सीखे अपने मम्मी की भाषा भोजपुरी वगैरह, फिर अपने देश की भाषा, उसी प्रकार ये भी है भाषा है। जितना सीखो उतना ही कम है, जितना पढ़ो उतना ही कम है, लेकिन हाँ जरूरी तो है ना कि हम जाने भी, और जानना जरूरी है। कुछ भाषाएं हैं जिसे हमें सीखना ही पड़ता है, आप ऐसे पढ़िए या मजबूर होकर पढ़िए, तो ऐसे पढ़ते हैं इंटरेस्ट ले लेकर, अच्छा लगता है। तो वर्ब का वह रूप जो वर्तमान काल में तत्परता को दर्शाता है प्रेजेंट टेंस कहलाता है, अथवा वर्तमान समय में लगाइए अच्छा रहेगा। वर्ब का वह रूप जो वर्तमान समय में तत्परता को दर्शाता है, निश्चितता को दर्शाता है, अर्थात जो तत्पर है, हम लोग जो अभी जिस काम को कर रहे हैं कंटिन्यू है, अभी जैसे कि हम लोग अभी लगे हुए हैं कामों में, वो हो जाता है। या नित्य जो क्रियाएं हैं, नित्य क्रियाओं को जो दर्शाता हो, वर्ब का वह रूप जो नित्य समय को बताता हो, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो वर्ब का वह रूप जो वर्तमान समय में तत्परता को दर्शाए प्रेजेंट टेंस कहलाता है, अथवा वर्ब के जिस रूप से या टेंस का वह भाग जो वर्तमान समय को प्रदर्शित करता है, जो वर्तमान समय को प्रदर्शित करता है, वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस कहलाता है। इंग्लिश में बात करें थोड़े से, तो which verb denotes the present time is called present tense, क्लियर। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, जैसे वह यह किताब पढ़ रहा है, वह यह किताब पढ़ रहा है, ध्यान दीजिए, वह यह किताब पढ़ रहा है, मींस कहने का मतलब क्या हो कि जो वो किताब पढ़ रहा है, वह किताब वह अभी पढ़ने का काम कर रहा है, वह पढ़ ही रहा है ना, जो हमसे ले गया किताब, या तो वो पढ़ रहा है या हाथ में रख के पढ़ रहा है जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, है ना। तो वह यह किताब पढ़ रहा है, यह किस टेंस में है, तो सर प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस के लिए इसको कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए हम तो रूल्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वह यह किताब पढ़ता है इसको बनाते हैं। तो वह के लिए हम लोग जानते हैं इंग्लिश होता है ही, इसमें रहा है नहीं है के लिए आई विजार का प्रयोग होता है, अभी रूल नहीं बता रहे, ऐसे हम बनाने की तरीका नहीं बता रहे, हम बना रहे हैं इसको एग्जांपल को। ही इज रीडिंग दिस बुक, वह यह किताब है जो पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग दिस बुक। फाइनली यह
कौन सा काम है, जैसे वह खा रहा है, वह खाता है, वह नाचता है, नित्य जो होता है वो भी प्रेजेंट टेंस में आता है। अब हम बात करें इसके भेदों के बारे में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप जरूर ही याद कर लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, आंसर लिखते हैं निम्नलिखित चार भेद है। नंबर वन, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग तक प्लीज याद करिएगा। चार भेद में नंबर वन सिंपल प्रेजेंट टेंस, SIMPLE सिंपल प्रेजेंट टेंस, बस इसको प्रोनंसिएट करके ही पढ़िएगा, इसकी हिंदी करने की जरूरत नहीं है, हमें तो नहीं लगता भाई। सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर टू, इसको दूसरा भी नाम है या प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट इनडेफिनेट, INDEFINITE इनडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। दूसरी बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PRESENT CONTINUOUS प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसको भी दो नाम और हैं, कौन कौन सा है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, IMPERFECT इम्परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसको पढ़ते हैं इम्परफेक्ट, IM परफेक्ट में IM लग गया अपूर्ण करने के लिए, इम्परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE प्रोग्रेसिव, इसको प्रोनंसिएट क्या करते हैं प्रोग्रेसिव, ऐसे तो हम करते हैं लेकिन आप अच्छे से करो, जैसे प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों एक ही टेंस है, सिर्फ नाम अलग अलग है। दूसरी बात करें तो इसको पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। आपको इंग्लिश नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, हम जब बोल रहे हैं उसको आप नोट ही कर दो। जैसे इनडेफिनेट, इनडेफिनेट लोग इसको बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन इनडेफिनेट कहो या इनडेफिनेट कहो आपको कहना है, प्रोनंसिएट तो ये लोग समझेंगे भाई। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्लियर है। अब हम तीसरी की बात करें तो तीसरी क्या है तो प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PERFECT TENSE प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट PERFECT परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। और चौथा बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस तो आपको पता है। देखिए परफेक्ट PERFECT और कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस CONTINUOUS याद रखिएगा, CONTINUOUS कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देयर आर द फोर टाइप्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स एज नंबर वन सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, नंबर टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एंड द थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और द फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग इसे रोज एक एक करके पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा।